L1 के स्टूडेंट आगे क्या करें, L2 के स्टूडेंट आगे क्या करें, आपके पास क्या क्या विकल्प है? नमस्कार अभ्यर्थियों, बहुत बहुत स्वागत है नई वीडियो में। साथियों, मॉर्निंग की सबसे बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। जी हां, रीट की मुख्य परीक्षाएं के बारे में आप लोगों को बता दें। सबसे पहले हम बात करते हैं रीट की मुख्य परीक्षा 2023 के बारे में। जी हां, अभी आपको बता दें, खुद गणपत सिंह राजपुरोहित जी अभी लाइव आकर बताए हैं, बहुत बड़ी ऐलान करी है, खबरें आई हैं। जी हां, बता दें आपको, सभी का सिलेक्शन अब आपका होने जाएगा। जी हां, आपको बता दें, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सभी का सिलेक्शन होगा। क्या आपकी रणनीति आगे आपको करनी पड़ेगी, सारी डिटेल में आगे आपको जानकारी प्रदान की है, आपको बता दें गणपत सर जी ने। जी हां, आपको बता दें, ये एक टीचर है जो आप जानते होंगे, नहीं जानते आपको बता देता हूं। आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दी और कहा है कि रीट के बाद आगे की क्या तैयारी करनी है। जी हां, अभी स्कोप ये भी और भी बढ़ रहे हैं। रीट के बाद LDC की भर्ती आ रही है, उसमें भी आप अपना आजमा सकते हैं किस्मत को, या आप और भी अभी पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। आगे क्या करना है, सब जानकारी, ये सभी रणनीति आगे आपको बताइए। और अब आपका बहुत ही ज़्यादा रीट में फ़ायदा होने जा रहा है। जी हाँ, फ़ायदा होगा, रीट में नंबर आ जाए, नहीं तो आगे की पूरी रणनीति सर ने बताइए, आप खुद देखिए। नमस्कार दोस्तों, हम आज के सत्र में बात करने वाले हैं कि अब आपकी आगामी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि 25, 26, 27 तारीख से आप अध्यापक भर्ती परीक्षाओं को दे चुके हैं, आपकी परीक्षाएं हो चुकी हैं और आपको अपना स्कोर भी पता चल गया है, आपने कैसा प्रदर्शन किया, ये इस बात से आप भिज्ञ हो चुके हैं। सारी बातें अब स्पष्ट हो गई हैं और अब विद्वान लोगों ने कट ऑफ भी बता दी है, ऑलमोस्ट। तो एक आधी अगर परीक्षा खराब हुई है या इस प्रकार की हुई है तो उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन आगे उससे बेहतर परिणाम देके इन सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। तो मैं ये मान रहा हूँ कि जिनके पेपर अच्छे हुए, जिनके खराब हुए, जो बीच में हैं औसत लेवल पे, उन सबको अब आगे देखना चाहिए। मैं बड़ा पॉजिटिव व्यक्ति रहा हूँ हमेशा से, जब भी मेरे पेपर खराब हुए या मैं फेल हुआ हूँ तो मेरा एक सीधा सफंडा रहा है कि 3-4-5 दिन में बहुत जल्दी उभर जाता हूँ, उभरने के बाद मैं आगे लक्ष्य की ओर देखता हूँ। और जब मैं किसी एग्ज़ाम में फेल हुआ हूँ तो मैं हमेशा उसके बाद दूसरे बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करी। तो फिर क्या होता ना कि हमारे साथी जिस ग्रेड पे होते हैं आप उसके अपर ग्रेड पे चले जाते हो अगले साल, 2-3 साल बाद में। तो वो तब होता है जब आप बैठते नहीं हो, हार कर आप निरंतर चलते रहते हो। तो लोगों को जवाब देने की बजाय अपनी ऊर्जा जो है आगामी रणनीति में लगाए, और अपना काम करना शुरू करें, ठीक है, यही मैं कहना चाहूँगा। दूसरा, इस पेपर में जो जो आपकी कमियाँ रही, जो जो चीज़ें रही, कम रही, उनको पहचानिए आप कि क्या कम रहा। बड़ा निष्पक्ष रूप से विश्लेषण कीजिए कि मेरे में ये कमी रही है और उन कमियों को स्वीकार कीजिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। और आगे भर्तियों पर वापस फोकस कीजिए और ठीक से काम करना शुरू कर दीजिए, तभी आप जो है वो ठीक कर पाओगे। बाकी बाजारी अफवाहों से बचिए, बाजार में जो बातें चलती हैं उनसे बचिए आप, क्योंकि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी कोई प्रमाणिकता नहीं है। ये जितने भी झोला छाप है, मुझे शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन पेपर होते ही कट ऑफ की वीडियोज़ लेके आ गए। बताओ, पेपर इधर हम सॉल्यूशन नहीं कर पा पाए, उधर से लोग बता रहे 230 रहेगी, 40 रहेगी, 20 रहेगी। ये सब चीज़ों से बचें आप, और आप अपनी मेहनत पे ध्यान दें, आगे के लक्ष्य की तरफ ध्यान दें कि अब क्या करना है। हो चुका है उसका तो हो चुका है, उसका तो क्या करेंगे आप, आगे देखोगे तो ही फायदा है, नहीं देखोगे तो आप फिर पीछे रहोगे, कोई नई जनरेशन और अंदर आएगी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब हम इसमें दो चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं कि L1 के स्टूडेंट आगे क्या करें, L2 के स्टूडेंट आगे क्या करें, आपके पास क्या क्या विकल्प है। तो सबसे पहले मैं L1 की बात करूंगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं L1 की बात करते हैं कि L1 के पास में क्या विकल्प है। अब पेपर ख़राब हुआ है तो भी, पेपर सही हुआ है तो भी, और बॉर्डर पे है तो भी। अब खराब सही के क्या दायरे हैं, मैं ये मानता हूँ कि जिसके 70% से ऊपर हैं ये बहुत सेफ है, मतलब आप यूँ कहिए कि इनका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे L1 हो चाहे L2 हो, कोई सब्जेक्ट एक आधा इधर उधर हो सकता है, बाकी सभी में। जिसके 65 से 70 के बीच में है, 65% से प्लस है, ये सारे बहुत अच्छी स्थिति में है, ये खराब स्थिति में नहीं है, है ना, ये भी ऑलमोस्ट सेफ है, ये ऑलमोस्ट सेफ है, यूँ कहिए कि। और 60% से ऊपर है, प्लस है, ये एक अच्छी रेस में है, ये रेस से बाहर नहीं है। और 60% से नीचे क्या पता कट ऑफ रह भी जाए, मैं ये बात कर रहा हूँ एक प्रकार से OBC जनरल EWS की बातें कर रहा हूँ। अब प्लस माइनस 5% हो जाता है, कोई पता नहीं चलता कुछ भी, आप ये मान के चलिए। अगर 60% है आप रेस में मानिए, बाहर मत मानिए। 60 से नीचे हैं तो आप अपने आप को बाहर ही मानिए, ठीक है। 65% है तो ऑलमोस्ट सेफ मानिए आप, 70% है तो सेफ मानिए, ठीक है। ऐसा मान लेने से क्या ही जाता है आपका। हाँ, ये बड़े बड़े दावे नहीं करने मार्केट में कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सर ने कहा है कि 60% वाला रेस में है ये वो। मैंने सिलेक्शन का नहीं कहा, मैंने कहा आप रेस में है और मेरिट ऊपर नीचे होती है, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप जिस भी कैटेगरी में है, उन सभी के लिए मैं ये बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। L1 के पास सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उनके पास BEd तो है नहीं, तो उनके पास टीचिंग की अब सारी वैकेंसीज बन गए आगे, उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है अभी SI वो RS,
अगर आपकी प्रशासन में छोटी मोटी रुचि है, चाहे पेपर खराब हुआ है चाहे पेपर बढ़िया हुआ है, तो आप इस तरफ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि SIK की वैकेंसी 750-800 पोस्ट की वैकेंसी है, 2024-23 के आखिर में आएगी, 24 में पूरी होगी। ऐसे कैसे SI की RS की वैकेंसी भी है जो कि 650-700 पोस्ट की वैकेंसी है, जून जुलाई में आएगी, तो वो भी 25 में पूरी होगी, सॉरी 24 में पूरी होगी। तो 23-24 में दोनों वैकेंसी जो है वो आपके आने की पूरी संभावना है और पूर्ण भी होगी। ठीक है, अब आप इसकी तैयारी करने से क्या, देखो SI और RS की तैयारी लगभग सेम ही है, प्री पेपर तो सेम ही है और मेंस पेपर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसकी तैयारी करने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर इसमें सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी आपका जनरल स्टडी इतना अच्छा हो जाएगा कि आप दूसरे किसी एग्जाम को भी दोगे ना तो वो आपके दायरे में आ जाएगा। तो इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी, बड़े आराम से इसको आप करिए, दिल से करिए, क्योंकि हाल फिलहाल आपके सामने इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। एक ऑप्शन आपका ये है, ये किसको अपनाना है? ये उसको अपनाना जिसका प्रशासन में रुचि भी हो और जिसको लगता है कि मेरा पेपर बहुत बढ़िया हो रखा है, ठीक है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उनको सीधा इस तरफ चले जाना चाहिए, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है LDC, जिसका CET क्लियर है, जिसका ये पेपर ठीक नहीं गया है L1 का, जिनको लगता है कि ये अभी हाल फिलहाल मेरे से हो नहीं पाएगा, तो वो LDC की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि LDC में भी आप योग्य हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि LDC की योग्यता मैं पूरी नहीं कर रहा हूँ या फिर मेरे LDC का सिलेबस मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर आपके पास ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन रहता है कि वापस L1 की तैयारी करना, ठीक है। अब वापस अगर अपन L1 की बात करें तो ये अभी हाल फिलहाल पॉसिबल इस समय तो नहीं है, हालांकि 12,000 पद क्रिएट हुए हैं, 4,000-6,000 पद L1 के होंगे उसमें, ये है, बट ये भी कब भर्ती पूरी होगी, ये मुझे लगता है कि 2023-24-25, क्योंकि एक साल में तो आज तक कोई सरकार की कोई भर्ती पूरी नहीं हुई, तो ये हो सकती है, बट इसको अभी बहुत टाइम लगेगा। तो जब टाइम लगता है, आप हाल फिलहाल अभी L1 का सिलेबस छोड़े हुए हैं, तो आपका मन भी नहीं बनेगा इसकी तरफ, है ना। मन इसलिए नहीं बनेगा कि वापस वही किताबें पढ़ना थोड़ा सा आपको बोरियत सा महसूस करवाएगा, इसलिए ये थोड़ा मुश्किल होता है। ये आप कब करना, जब भर्ती आने की प्रक्रिया में हो, आपको लगे कि हाँ भर्ती आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, इससे पहले एक बार रीट भी करवाएंगे, क्योंकि नए बच्चों को शामिल करेंगे, रीट होगी। आपने जिसने रीट कर लिए वो तो सर्टिफिकेट अब आजीवन चलेगा ही चलेगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं, है ना, जिन्होंने पिछली रीट नहीं दे पाए, पात्र नहीं थे, उनके लिए एक नई रीट होगी, रीट के बाद में जाके अध्यापक भर्ती परीक्षा होगी, उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। और मैं मानता हूँ कि आपको इस परीक्षा ये भर्ती जब आएगी, 4-5-6 महीने मिल जाएगी, उस समय इसकी तैयारी कर लेना, अभी से इसकी तैयारी में आपका जोश नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये बाद में देखना, अभी आप LDC करो, अगर आपको लगता है कि पेपर खराब हुआ है, इसका सिलेबस मेरे पक्ष में है, CET क्लियर है, तो इसकी करनी चाहिए। अगर आपका पेपर बहुत अच्छा हो रखा है वगैरह, तो आप वो SIRS की तरफ जाइए। देखो विकल्प आपकी, हम आपको सिर्फ विकल्प बता रहे हैं, चयन आपको करना आपकी क्षमता के अनुसार, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग क्षमताएं होती है। मेरी कैपेबिलिटीज अलग है, आपकी अलग है, आपका सोचने का तरीका अलग है, मेरा सोचने का तरीका अलग है, तो मैं जो बातें बता रहा हूँ ये आपको डिसीजन लेने में मदद करेगी। आप मेरे अनुसार डिसीजन मत लीजिए, आप अपने अनुसार डिसीजन लीजिए, बस इन बातों को ख्याल रखोगे तो आपका डिसीजन थोड़ा बेहतर होगा, ठीक है। और चौथी बात, आप इस समय बीएड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में बीएड है नहीं, BSTC ही है केवल, बीएड कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपके सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सब रास्ते खुल जाएंगे। और साथ साथ में बीएड के साथ किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से MA कर लीजिए या MSc कर लीजिए, जिसमें भी आप हो, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी योग्यता भी वृद्धि होती रहेगी। मतलब ये होगा कि आपकी जो एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है वो और बढ़िया होती जाएगी, आप थोड़े से इसमें बिजी भी हो जाओगे, तो ये तो कर ही लेना कन्फर्म। हाँ ये है कि नहीं मुझे प्रशासन में ही जाना है, एजुकेशन में नहीं रहना, तो आपकी इच्छा, लेकिन मेरा मानना है कि करनी चाहिए, क्योंकि कल को अगर L1 नौकरी लग जाती है आपकी, फिर आप केवल L1 ही रहोगे, जब तक आपका बीएड नहीं होगा तब तक आपका प्रमोशन भी नहीं हो पाता है, ठीक है। आपके पास समय, ये कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि L1 का पेपर बहुत शानदार गया है तो बीएड मत करना, तो MA करना, क्योंकि पेपर शानदार गया तो सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन होने के बाद आपको बीएड बीच में छोड़नी पड़ेगी, इससे अच्छा है कि MA कर लेना, वो भी प्राइवेट कर लेना, और बीएड बाद में वृद्धा यूनिवर्सिटी या कोटा यूनिवर्सिटी कहीं से भी कर लेना, है ना। ये चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ध्यान रखना। तो आप SIRS के इसके आपके पास में बड़ा अच्छा ऑप्शन है। भर्तियाँ कब पूरी होगी ये भी मैंने आपको यहाँ पीछे लिख रखा है, LDC 2023 में आ जाएगी, आप देख लेना, और 2024 में पूरे होने के पूरे चांसेस है। इलेक्शन ईयर है, सरकार भर्तियाँ घोषित कर लेगी, जारी भी कर लेगी, पूरी जो है वो अगले साल या उससे अगले साल ही होगी, इस साल मुझे नहीं लगता कि भर्तियाँ पूरी हो पाएगी। तो ये चार ऑप्शन आपके L1 के पास में, तो मुझे याद आ रहे हैं, इसके अलावा भी कोई ऑप्शन हो आपके पास में तो आप वो भी अपना सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, देख लेना आप। अब आप कहोगे कि नहीं मुझे RS का मुझे नहीं है, RS का फिर भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है, इसकी तैयारी करने से बाकी चीज़ें अपने आप तैयार हो जाती है, क्योंकि इसका काफ़ी बड़ा सिलेबस है, तो छोटी छोटी परीक्षा यूँ ही पास कर जाओगे। कांस्टेबल है जैसे, अब कोई कांस्टेबल की करेगा तो जैसे SI की तैयारी करी RS SI की, तो कांस्टेबल की परीक्षा तो हंसते हंसते पास कर लेगा, लेकिन आप केवल कांस्टेबल पर फोकस करोगे तो SIRS तो आज से निकल गया हमेशा के लिए। क्या पता SI में सिलेक्शन हो जाए, आज आपका रेट में नहीं और कल SI में 2 स्टार लग जाते हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि आपका जीवन धन्य हो गया, है ना। तो आप इस असफलता को किसी और माध्यम से, इस असफलता को बुला सकते हो और बढ़िया तरीके से बुला सकते हो। आज जो लोग मजे ले रहे हैं आपके, अगर आप कल को थानेदार बन जाते हैं तो आप देखना उन लोगों की शक्लें देखना आप एक बार। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ें की जा सकती है, आपके ऊपर है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा प्रश्न आता है L2 का। देखो मैं मेरे डिसीजन पे बड़ा क्लियर रहता हूँ, मेरा माइंड हमेशा क्लियर रहा है, मैं कभी भी उलझता नहीं हूँ, और मुझे क्या डिसीजन लेना मैं परीक्षा के ठीक बाद ले लेता था,
और कभी भी मैं ऐसे डिसीजन में भ्रमित नहीं होता था। दो तीन दिन तक समीक्षा करने के बाद में मैं एक निष्कर्ष पर पहुंच जाता था कि मुझे क्या करना है और फिर उसके पीछे लग जाता था। ये मेरा हमेशा से निर्णय क्षमता बहुत अच्छी रही है। बस उसी अनुरूप मैं आपसे कह रहा हूं कि अपना डिसीजन लीजिए और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर अभी आपका पेपर फेल हुआ है या फिर कमज़ोर हुआ है तो आप ये मत समझिए कि मेरे से आगे भी पास नहीं होगा, क्योंकि पहली पहली गलतियाँ होती है और अगर वो दोबारा जब पेपर देने जाते हो मैच्योरिटी आ जाती है, फिर आप ठीक कर लेते हो, चीज़ों को ठीक कर लेते हो। एक बार धक्का लगने के बाद चीज़ें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती है, आप उसको बढ़िया से हैंडल कर लेते हो। अब मैं L2 की बात करूँ, इनके पास कई सारे ऑप्शन है L2 के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। अब कुछ लोग बच्चे ऐसे हैं जिसके पास में MA की हुई है, MA MSc किया हुआ है ना, या MCOM जो भी है। तो अब किसी ने अगर MA MSc किया हुआ है तो इनके पास में सबसे बढ़िया विकल्प है फर्स्ट ग्रेड का। कौन सा? इनके पास फर्स्ट ग्रेड का बहुत बढ़िया विकल्प है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की भर्ती जो है वो बिल्कुल पाइपलाइन में है। और आप मान के चलिए 6-7 हज़ार पदों की भर्ती फर्स्ट ग्रेड की 2023-24 में आपको देखने को मिलेगी। 23 में भर्ती लास्ट में आ जाएगी तो 24 में पूरी हो जाएगी। अभी से तैयारी करोगे तभी आप अपना जो सब्जेक्ट है वो एक साल में बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से कर सकते हैं। तो उसको बिना कोई देरी किए हुए L1 के साथ भी यही सिस्टम है, मैं सभी का यही कह रहा हूँ। 70-65 ये संपूर्ण अध्यापक भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसमें किसी L1 या 2 की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इस क्राइटेरिया में हैं, अगर आपका L2 बहुत बढ़िया गया है तो आप कर लीजिए, नहीं गया तो भी कर लीजिए, क्या पता आपका इसमें ना और इसमें हो जाएगा। ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं मेरे स्टूडेंट के, जहाँ रीट में उनका नहीं हुआ था और वह लेक्चरर बन गए, कई सारे ऐसे एग्जांपल हैं मेरे पास। तो आप जिसके पास में MA MSc है, नहीं भी है अपीयरिंग भी चल जाएगा। अगर आप कह रहे सर मेरे तो यूँ कहिए कि मैं अपीयर हूँ, मेरे पास है नहीं, मैं भी MA फाइनल ईयर में हूँ या फर्स्ट ईयर में हूँ, तो भी आप करिए, क्योंकि आप एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार में भर्तियाँ लेट भी होती है और वैसे भी आपको पता है कि परीक्षा तक आपको डिग्री चाहिए होती है। तो परीक्षा तक डिग्री का मतलब क्या हुआ? परीक्षा होगी उस दिन आपको रिजल्ट आना आ जाना चाहिए। तो वो कब होता है, वो तो सरकार की स्फूर्ति पे काम करता है, लेट लतीफ़ी भी हो जाती है। तो जिनके MA अपीयरिंग है, मुझे लगता है उनको बिना कोई देरी किए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी उनके सामने दूसरा कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। इनके पास में सबसे बेस्ट विकल्प यही है फर्स्ट ग्रेड का। इसके अलावा इनके पास में अगर कोई MA नहीं है और फॉर्म भी MA का भरा हुआ नहीं है और इच्छा भी नहीं है MA की फर्स्ट ग्रेड की तरफ, तो उनके पास में ग्रेड 2 का ऑप्शन अच्छा है ना, जैसे हम सीनियर टीचर कह सकते हैं। अब सीनियर टीचर का ऑप्शन आपके पास अच्छा है, लेकिन सीनियर टीचर की हाल फिलहाल अभी कोई वैकेंसी नज़र नहीं आ रही है। हालांकि ये भी प्रस्तावित है, क्योंकि जितने प्रमोशन हो जाएंगे सीनियर टीचर की पोस्ट खाली हो जाएगी। 2025 अभी भी क्रिएट हुई है, ये भी आएगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो है, अगर आपका MA नहीं है आपके पास में और आगे करने का भी मन नहीं है, तो सीनियर टीचर भी आपके पास में एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास में तीसरा एक ऑप्शन और भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट वगैरह, ठीक है। मेरा ये मानना है कि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड की ठीक तैयारी करेगा उसका नेट अपने आप हो जाता है। लगभग हमारे आर्ट्स में तो यही है कि जिसने हिस्ट्री ठीक से पढ़ ली उसका नेट भी हो जाता है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर ठीक से तैयारी करते, क्योंकि ये भर्ती तो अभी आ जाएगी अप्रैल के आसपास, है ना, लेट भी होगी, तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की ठीक से तैयारी करते हैं तो फिर आपका फर्स्ट ग्रेड भी हो जाएगा और नेट की तैयारी भी हो जाती है, इसमें भी हो जाता है। तो अगर कोई अच्छे बच्चे हैं जिनको लगता है कि हम कर लेंगे, तो मैं तो कहता हूँ उसको सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी शुरू करनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे इसका ये भी क्लियर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और क्या पता ये भी हो जाए, है ना। अगर ये नहीं भी हुआ तो कम से कम ये दोनों तो इसकी तैयारी में ही कर लेंगे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसकी योग्यता भी ये है कि जब इंटरव्यू होगा इसका, इंटरव्यू के पहले दिन आपको नेट और MA चाहिए। तो मैं मानता हूँ आज से अगर आप तैयारी करते हैं तो इंटरव्यू तो डेफिनेटली 2024 से पहले तो होंगे नहीं, 24 तक आपका MA भी हो जाएगा और बीच में 3-4 नेट मिल रही है, बड़े आराम से नेट भी कर लोगे अगर आप सब्जेक्ट तैयार रखोगे। एक ये बढ़िया ऑप्शन है आपके पास में, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर नेट वाला ऑप्शन आपके पास में बढ़िया है। इसके अलावा आपके पास में भी SIRS का ऑप्शन है ना। अगर आपके पास में आपको प्रशासन में जाना है, शिक्षा में नहीं जाना है, तो ये ऑप्शन भी आपके पास में बेस्ट ऑप्शन है। ये देखो, ये सारे मैं विकल्प बता रहा हूँ, ये आपको निर्णय आपको खुद को लेना है, क्योंकि कईयों की रुचि होती है प्रशासन में तो वो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, क्योंकि कईयों के MA गलत सब्जेक्ट में रखी है, उनके मन से नहीं भी किसी और ने करवा दिए, तो वो फिर इस पर मन नहीं लगेगा, फिर वो SIRS कर सकता है, है ना। तो इस प्रकार से आप किसी एक को चुन लीजिए, चाहे SI करो, RS करो, चाहे इसका करो। हाँ, ये है कि साथ सभी एक साथ नहीं होगी, ये तीनों एक साथ हो सकती है, फर्स्ट ग्रेड नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एक साथ हो सकती है, SIRS एक साथ हो सकती है, सेकंड ग्रेड एक अलग हो सकती है। देखो, अगर आप ये देखोगे तीनों अलग अलग हैं, एक एक पोर्शन ये, एक ये और एक ये, ये तीन विकल्प आपके पास में। अब बात आती है LDC वगैरह की, L2 की बच्चे जिनके पेपर अच्छे हुए उनको मुझे नहीं, मेरा मन कहता है उनको LDC की तरफ नहीं जाना चाहिए। पेपर खराब भी हुआ तो भी LDC की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपके पास में BEd है, आगे 20-30-40 हज़ार की भर्ती प्रस्तावित है, तो कम से कम आप उन BEd का उपयोग करते हुए आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। LDC में फिर वही आप गणित, अंग्रेजी, हिंदी वापस पढ़ोगे, बड़ा पेचीदा काम हो जाता है। तो मैं इनके लिए चार विकल्प रखता हूँ,
ठीक है, उसमें भी जिसको थोड़ा सा टीचिंग में इंटरेस्ट है और उसको लगता है कि प्रशासन थोड़ा मेरे लिए जटिल काम है, नहीं हो पाएगा इस समय, तो डेफिनेटली उसको असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ चला जाना चाहिए, भले वो एमए प्रीवियस में हो चाहे वो एमए फाइनल ईयर में हो, आज नहीं तो कल वो एलिजिबल हो नहीं होना है। और जिसको टीचिंग में नहीं है तो फिर वो एसआईआरएस में आ सकता है ना। तो इस तरह से आप अपने आप को एक इस तरह से ऐसा डिसीजन लीजिए ताकि आप एक ही तैयारी में तीन चार परीक्षाओं को कवर कर लो, है ना। और जितना अपने आप को व्यस्त रखोगे उतना ही आप पुराने गम को भुला पाने में सक्षम होंगे। अन्यथा क्या है, वो बातें रह रह के दिमाग में आएगी, रीट वाली बातें, अध्यापक वाली बातें कि मैंने एक साल पढ़ा फिर भी मेरा पेपर खराब हुआ, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं है, अब मैं पैसे का कैसे एडजस्टमेंट करूंगा, मेरे महिलाएं जितनी भी हैं उनको ये लगेगा कि मेरे को तो घर वालों ने एक डेढ़ साल का ही समय दिया था, उसमें भी मेरे से ये परफॉर्मेंस नहीं हो पाई, अब मैं घर वालों को कैसे कन्विंस करवाऊँ कि मैं आगे और पढ़ूँ, मैं गृहिणी हूँ। देखो ये हज़ार समस्याएं हैं सबके समक्ष हैं, तो ये सारी समस्याएं तो आएगी, और पेपर खराब हुआ है तो आपको घर वालों को भी कन्विंस करना पड़ेगा, टाइम नहीं मिलता है वो निकालना पड़ेगा, आर्थिक संसाधन सीमित है तो कुछ आर्थिक संसाधन का भी जुगाड़ करना पड़ सकता है, और मतलब देखो व्यक्ति जब चाहता है ना तो हर समस्या का समाधान वो ढूंढ सकता है, वो ठीक है उसकी जीवन शैली प्रभावित होगी, सारी चीज़ें होंगी, परंतु वो कर सकता है, ऐसा कुछ है नहीं कि वो नहीं होता है ना। तो इस प्रक्रिया में मुझे पता है बड़ा कठिन काम है लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नहीं करोगे तो फिर आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाओगे, नए बच्चे अंदर आ जाएंगे, आप पे ऊपर किसी को दया नहीं आएगी।